नमस्कार, प्रणाम, जय माँ भारती। आप सभी व्यूअरों का स्वागत है हमारे मसौरी प्लस यूट्यूब चैनल पे। आज हम मसौरी में आए हैं, आपको डाकबंगला जो है, डाकबंगला रोड, यहाँ पे एक कुशवाहा हितकारिणी मार्केट है, उसी में एक लाइब्रेरी यहाँ पे स्थापित की गई है हमारे नवीन सर के द्वारा, जिस लाइब्रेरी का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेल्फ स्टडी सेंटर। यहाँ पे बच्चों को अच्छी तरह की सुविधाएं दी जा रही है तैयारी करने के लिए, और विशेष बात हम नवीन सर से करेंगे। नवीन जी हम लोगों को बताएंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को कि किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम नवीन जी से पूछना चाहेंगे कि आपने इस लाइब्रेरी की स्थापना किस उद्देश्य से की थी और कब की थी। सबसे पहले मैं मसौढ़ी प्लस न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ, सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद देता हूँ, ताकि आप लोगों ने जिस तरह से आज मसौढ़ी के ऐतिहासिक डकबंगला रोड सब्जी मंडी कुशवाहा मार्केट के सहयोग समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पुस्तकालय का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 में किया गया था, जो मेरे द्वारा ही किया गया था, जिसमें हमें उस समय जब मैं मसौढ़ी तकरीबन 14 साल से मसौढ़ी में हम रह रहे हैं, तो ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं था जिसमें तमाम विद्यार्थियों को यहाँ से पटना, दिल्ली, तमाम जगह पढ़ने जाते पड़ते थे सेल्फ स्टडी के लिए, वैसा कोई व्यवस्था नहीं था। लेकिन जब हमने इसका स्वयं अध्ययन किया, परीक्षण करने के बाद हमने भी पटना में देखा और दिल्ली में भी देखा, तो लगा कि भाई अपने क्षेत्र में भी एक पुस्तकालय होनी चाहिए जहाँ पे काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, रेलवे के हो, जेई मेंस के हो, नीट के हो, एवं तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी मसौढ़ी में रहते हैं। तो उनके लिए हमने सोचा कि भाई एक पुस्तकालय स्थापित करें जहां विद्यार्थी निरंतर मेहनत करने के बाद अपनी सफलता को परचम लहराएं। आज उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं मुझे पूरा हो रहा है, क्योंकि आज आपका लगभग 1.5 से 2 साल आपका पुस्तकालय का होने जा रहा है, कई विद्यार्थी का जॉब भी हो चुका है, ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज UPSC PT करके भी आप उड़ीसा में भी हैं, और कई विद्यार्थी जेई मेंस करके उड़ीसा में, दिल्ली में, तमाम जगह पर हैं, विद्यार्थी से बातचीत होती रहती है। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस बार SI में सिलेक्शन भी हो चुका है, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो उनसे भी मैं आपको कभी न कभी रूबरू कराऊंगा। और नवीन जी एक बात बताइए, एक छोटी मोटी आंकड़ा बताइए कि लगभग 10, 20, 50 कितने बच्चे यहाँ से सेल्फ स्टडी करके अपना रिजल्ट दे पाए हैं, एक मोटा मोटी आंकड़ा बताइए। लगभग लगभग सर आपको मोटा मोटी 40 से 50 बच्चा का सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें बिहार पुलिस हो गया, ड्राइवर हो गया, उसके बाद आपका SI हो गया, और तमाम तरह के जो भी एग्ज़ाम, बैंक हो गया, SSC हो गया, तो तमाम जो भी एग्ज़ाम चल रहा था उसमें विद्यार्थी का सिलेक्शन काफ़ी मात्रा में हुआ है। हमारे साथ कई विद्यार्थी और बिहार बोर्ड का ही बच्चे। नवीन जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, कम शब्दों में अधिक बात। देखिए यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए विद्यार्थियों को जो है सारी तरह का जो बुक है सबके पास नहीं रहता है, वो अवेलेबल यहाँ है। उसके बाद यहाँ वाईफाई की सुविधाएं हैं, विद्यार्थी के लिए RO का पानी है, और तमाम पुस्तक हैं और चेयर है, अलग अलग टेबल सबको दिए जाते हैं पढ़ने, सेल्फ स्टडी करने के लिए जो भी सुविधाएं विद्यार्थी जो हमको बोलते हैं कि सर इसकी आवश्यकता हम लोग की है, मेरा घर में नहीं है तो इसके पूरा कीजिए, तो हम विद्यार्थियों की यथासंभव कोशिश करते हैं कि पूरा करें। नवीन जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पे कितने छात्र और छात्राएं यहाँ पे एक बैच में होते हैं, और कितने बैच चलती है आपकी, और उसके अलावा क्या फ़ी है? अगर फ़ी है तो कुछ ऐसे भी गरीब बच्चे आते हैं जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो क्या उनको भी आप यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमने जब मैं लाइब्रेरी खोला था उसी समय आपको न्यूज़ वाले को भी या मीडिया वाले को भी मैंने बता दिया था कि मसौढ़ी का एकमात्र पुस्तकालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जहाँ पे विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। सर मुफ्त में शिक्षा दी तो पैसे नहीं लेते, विद्यार्थियों को पैसे लेते हैं, लेकिन मैंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वैसे बच्चे गांव, मोहल्ले या कस्बे से जो भी बच्चे कहीं से आते हैं, अगर उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है तो मैंने सब में ऐलान कर दिया है, मैंने हर जगह न्यूज़ चैनल पर गया है, तो मैंने बातचीत में बताया है, अगर वैसे बच्चे हैं आपके पास जो पढ़ते हैं और उनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास स्वयं संपर्क करें, किसी समय मेरा नंबर पे फ़ोन ऑफिस में आकर संपर्क कीजिए, मैं उनसे यथासंभव मेहनत करता हूँ। आप विद्यार्थी मेरे पास वैसे बच्चे हैं जो मैं आपसे बात भी आपके बैच में कराऊंगा, जो मैं उनको फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अब बुक भी दे रहा हूँ, उसके बाद ही विद्यार्थी को लगता है कि सर हमें बुक लेने के लिए पैसे नहीं है, कॉपी लेने के लिए पैसे नहीं, तो उस विद्यार्थी को भी मदद करता हूँ, किया भी हूँ, विद्यार्थी आपके साथ साक्ष्य हैं। हाँ, फी मेरे पास 250 रुपये है एक बैच, यानी 4 घंटे का 250 रुपये, 2 बैच का 500 रुपये। और जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम पूरे दिन यानी 24 आवर आप ही क्या स्टडी करना चाहते हैं, यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे, तो क्या उसका, तो मात्र हमने 600 रुपये एकदम मिनिमम फीस के साथ 24 आवर का हमने कर दिया है।
तो आप लोगों ने सुना कि 250 रुपया एक बैच का मंथली, दो बैच का 500 रुपया और 24 आवर अगर आप रहते हैं तो 600 रुपया आपको मंथली चार्ज यहाँ पे देना होगा। तमाम सुविधाएं यहाँ पे जो बेसिक सुविधा है वो दी जा रही है, आरओ का पानी है, वाईफाई है, बुक है, कंपटीशन का बुक है, जो बहुत से बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बुक खरीदने के लिए, तो वो भी सारा यहाँ पे उपलब्ध कराया जा रहा है। तो नवीन जी ने एक अच्छा नेक कार्य शुरू किया है मसौढ़ी में। यहाँ पे आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि एक लंबा बैच यहाँ पे दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ जीतन जी हैं जिनका रिजल्ट हुआ है और अभी भी यहाँ पे सेल्फ स्टडी के लिए हैं। तो हम जीतन जी से बात करेंगे कि इनका किस चीज़ में रिजल्ट हुआ है और किस तरह का यहाँ पे इनको माहौल मिला। तो जीतन जी, सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताएं, किस चीज़ में आपका रिजल्ट हुआ और किस तरह की यहाँ सुविधाएं मिली है, सारी बातों को एक एक करके रखें। मेरा वैसे NTPC में रिजल्ट हुआ है, लेवल 5 और 6 में हुआ है और मैं यहाँ स्टडी हमेशा रेगुलर क्लास की तरह करता हूँ। कितने वर्षों से आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं? यहाँ हो गया करीब साल भर हो गया, यानी एक साल हो गया है और आपने यहाँ से रिजल्ट निकाला। एक साल हो रहा है यहाँ से सेल्फ स्टडी, 12 घंटे का मैंने यहाँ से अथी किया है। 12 घंटे किया है, तो आप और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ बहुत अच्छा सुविधा है हमारा, जो है कुछ मेरे पास आर्थिक स्थिति था जो कि पैसे मेरे पास नहीं था, तो हम नवीन सर को बोले हैं कि देखिए मेरे पास जो है पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, हम अपने बच्चे को अभी तो पढ़ा नहीं रहे हैं, हम अपने अभी खुद पढ़ रहे हैं, तो हम अपना फीस जो है हम पूरा दे नहीं पा रहे हैं। तो हम नवीन सर को बोले हैं कि ऐसे ऐसे बात है, तो बोला कि ठीक है आप आइए यहाँ और 8 घंटा हम यहाँ रेगुलर एकदम कंटिन्यू रहते हैं। तो चलिए, जीतन जी थे जिन्होंने कहा कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने नवीन सर से बात की और उन्होंने मुझे कॉन्सेशन दिया। जैसा नवीन सर ने अभी हमसे बात करते हुए कहा था, यहाँ पे और भी कुछ बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम रंजन कुमार है, मैं तो यहाँ पर अभी नया ज्वाइन किया हूँ, कल से ही आ रहा हूँ। आप कल से यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको फिर भी यहाँ की सुविधा कैसी लगी? एक दो दिन में तो माहौल पता चल जाता है कि लाइब्रेरी का माहौल कैसा, तो आपको यहाँ का माहौल कैसा लगा? माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पे पढ़ने का। तो इन्होंने कहा कि माहौल बहुत ही अच्छा है पढ़ने का यहाँ पे, और देख रहे हैं कि तमाम बच्चे यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने में लगे हुए हैं, सभी बच्चे अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ामों की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो अब कुछ यहाँ पे छात्राएं हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, आपको उनका भी अनुभव बताते हैं। इस समय हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाइब्रेरी के छात्राओं के कैंपस में हैं, जो रोज छात्राओं के लिए है, स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए इस तरफ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे छात्राएं खुद से सेल्फ स्टडी कर रही है और बहुत लोगों का रिजल्ट भी हुआ है और बहुत लोग यहाँ पे तैयारी कर रही है। तो हम कुछ बच्चियों से यहाँ पे बात करेंगे कि आप लोग किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रही हैं। पूछ कीजिए, आप ही खड़े हो जाइए ना वहाँ उस तरफ, चलिए रहते हैं, दे दिए ना। तो यहाँ पे देख लीजिए कि छात्राएं यहाँ पे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रही हैं, कुछ हैं यहाँ पे छात्राएं जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप कब से यहाँ पे तैयारी कर रही हैं और किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रही हैं, यहाँ का माहौल आपको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा हमारे दर्शकों को। मेरा नाम नेहा कुमारी है। नेहा जी, आप किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रही हैं और कब से तैयारी कर रही हैं? यहाँ पे अभी हम 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं और हम बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। आपको नवीन सर के द्वारा यहाँ पे जो सुविधा दी गई है, आपको कैसी लग रही है? यहाँ का बहुत अच्छा, यहाँ पे माहौल खासकर पढ़ने का बहुत अच्छा है, यहाँ पे शांति होता है जो हम घर पे नहीं कर पाते हैं। घर पे बहुत सारी डिस्टर्बेंस होती है जो कि वहाँ पे बहुत सारा कुछ काम हो जाता है या हो जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा है कि हमें यहाँ पे वाईफाई मिलते हैं, टाइम पे हम लोग ये लंच भी कर सकते हैं यहाँ पे दिन भर अगर कोई रहता है तो, और यहाँ पे एक अलग से रूम भी बनाया गया जहाँ पे हम जाके लंच कर सकते हैं। यहाँ पे वाईफाई लगा है, पानी भी मिलता है हम लोग को, ठंडा पानी मिलता है गर्मी के टाइम पे, एसी है, पंखा बहुत सारे लगा हुआ है, तो हमें गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अच्छे से हम लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। नेहा जी, अगर 10 रेटिंग अंक आपको देना हो 10 में, तो आप कितना देना चाहेंगे? 10 में 10 देना चाहेंगे कि या काटना चाहेंगे? रेटिंग अंक अगर देने का बात आए तो हम तो 10 में 10 देंगे, क्योंकि यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा है और हम अच्छे से पढ़ पाते हैं यहाँ पे। चलिए, नेहा जी ने कहा कि अगर रेटिंग देने की बात हो तो हम 10 में 10 अंक देंगे इस लाइब्रेरी को। राय हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आप लोग किस चीज़ की यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोना सिन्हा है। आप किस चीज़ की तैयारी यहाँ पे कर रही हैं? SSC का। कब से?
मतलब डेढ़ दो महीना से। आप और छात्राओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि जो दूसरे जगह स्टडी कर रही हैं या घर पे स्टडी कर रही हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यहाँ सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सुविधा है, मतलब घर पे पढ़ाई तो हो नहीं पाती अच्छे से अगल बगल के माहौल से, कुछ थोड़ा जो डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। मतलब हम लोग यहाँ पे आके वाईफाई भी है यहाँ, बहुत अच्छे से अपना स्टडी कर सकते हैं कंटिन्यू। तो चलिए, इन लोगों ने कहा कि हम भाई साथियों को भी रिकमेंड करेंगे, यहाँ पे एक और छात्रा है हमारे साथ, इनसे पूछना चाहेंगे कि आप अपने सहेली या जो आपके जूनियर हैं जो अभी पढ़ रहे हैं और आगे कंपटीशन तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो उनको आप क्या इस कोचिंग के बारे में सजेशन देना चाहेंगे, इस लाइब्रेरी के बारे में? Myself, I'm Komalraj. मैं यहाँ माहौल बहुत अच्छा है, मैं कहना चाहूँगी शांति, मतलब घर में जितना डिस्टर्बेंस हो पाता है, मतलब अच्छे से पढ़ नहीं पाते हुए यहाँ के अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। आप क्या अपने जूनियर्स को सजेशन देना चाहेंगे यहाँ स्टडी करने के लिए? हाँ ज़रूर। तो चलिए, इन्होंने कहा कि हम अपने जूनियर्स को भी यहाँ पे स्टडी करने के लिए सजेशन देना चाहेंगे और हम अपने चैनल के माध्यम से एक बार नवीन सर का तहे दिल से हम अभिनंदन करते हैं, इन्हें बधाई देते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है मसौढ़ी में, कि आप एक सेल्फ स्टडी के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी की स्थापना की जिसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेल्फ स्टडी सेंटर। तो हम राजेंद्र नवीन सर को शुभकामनाएं देते हैं कि आप निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और बच्चों का हमेशा सहयोग करते रहें। एक छात्रा है यहाँ पे जो कुछ कहना चाहती है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, सबसे बड़ी बात यहाँ है कि मतलब लड़कियों को मतलब जितना आवर रही है यहाँ फ्री है, 250 में जितना आवर रही है, हर तरीके का यहाँ सुविधा है। ऊपर से देख रहे हैं लड़कियों के लिए एक अलग सा कैमरा, मतलब ताकि किसी तरह का मतलब बॉयज लोग का किस तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। तो जितने भी छात्र यहाँ पे मौजूद है, हम चाहेंगे कि एक बार नवीन सर के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने आधी आबादी के लिए, कहा जाता है कि आधी आबादी, और आज वुमेंस डे भी है, तो आप सभी को हम अपने चैनल के माध्यम से वुमेंस डे की हार्दिक बधाई देते हैं महिला दिवस की। तो नवीन सर ने 250 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से 24 आवर का लड़कियों को जो यहाँ पे सुविधा दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जिस तरह का अभी हम यहाँ पे माहौल देख रहे हैं, लड़कियों के लिए अच्छा माहौल है, तो हम भी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अपनी बहन बेटियों को अगर कहीं सेल्फ स्टडी के लिए भेजना हो तो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेल्फ स्टडी सेंटर हमारे नवीन सर के लाइब्रेरी में भेजें। जय हिंद, जय भारत।